क्या हो गया? अगर देखना है तो कीप वॉचिंग टिल द एंड. गुड मॉर्निंग हैश फैमिली, आई होप आपकी मॉर्निंग गुड हो गई होगी. तो मॉर्निंग में मेरी चाय के बिना तो मेरी मॉर्निंग अच्छी नहीं होती है. नींद में से मैं जैसे ही उठती हूँ सबसे पहले मुझे चाहिए होती है अदरक वाली गरम गरम चाय, और उसके बिना तो आई कांट इवन इमेजिन कि मेरी मॉर्निंग हुई है. और आजकल मैंने नई चीज़ की है, मैंने चाय के साथ है ना मैं शुगर नहीं डालती, या फिर मैं हनी डालती हूँ या फिर गुड़ डालती हूँ. तो मैं आपको दिखा दूँ, ये गुड़ है. बस गुड़ को पीस लिया है. वैसे मैंने हनीश को बहुत उठाने की कोशिश की है और हनीश उठ नहीं रहा एज़ यूजुअल. वो उठता नहीं, आपको पता है उठने में कितनी टाइम लगाता है. लास्ट वीडियो तो आपने देखा होगा कि वो कितना टाइम लगाता है उठने में और मुझे उसे कैसे कैसे उठाना पड़ता है. तो आज भी ऐसे ही है, मैंने सब कुछ बना दिया है और वो उठा नहीं है. पहले मैं चाय पी लेती हूँ वरना मैं बोल नहीं पाऊँगी आगे. तो मैं कब से सोच रही थी कि मैं एक प्लान कर रही थी, एक प्रैंक जिसमें क्या होगा कि मैं अपने बॉडी में ना ऐसे दिखाऊंगी कि मेरे बॉडी में ना वो हो गई है कुछ खुजली वुजली और कुछ पीलिंग वीलिंग टाइप. तो मैं सर्च कर रही थी तो मुझे आइडिया आया कि हम लोग ये प्रैंक कर सकते हैं पर ग्लू से कर सकते हैं. तो मैं परसों ये ग्लू लेके आई हूँ. कोई नहीं, अपना नॉर्मल सा फेविकॉल है, ये जो हम लोग बुक्स में लगाते हैं ना, ये वैसा वाला फर्नीचर वाला फेविकॉल नहीं है, नॉर्मल वाला फेविकॉल है. तो मैंने ट्राई किया कल इसको, ये सच में वैसा वर्क कर रहा था. मतलब अपन जैसे बचपन में बुक्स या कोई भी पेपर वेपर चिपकाते थे उसके बाद अपने हाथों पे लग जाता था और ऐसे ऐसे कुछ निकलता था, उससे लगता था स्किन ही पील हो रही है. तो ये वैसा ही पील हो रहा था. तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने हाथ पैरों थोड़े से गले पे ट्राई करूँ. फेस पे तो मैं ट्राई नहीं कर सकती, रिएक्शन हो गया. तो हाथ पैर थोड़ा सा नेक पे ऐसे से निकाल दूँगी, लगा दूँगी और सो जाऊँगी जाके. क्योंकि हनीश को तो ये भी नहीं पता है कि इतने देर से मैं काम कर रही हूँ, आवाज़ें कितनी भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता. तो मैं ऐसे क्या करूँगी, ये लगाऊँगी, इसको 10 मिनट लगेंगे ड्राई होने में, ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं सोने की एक्टिंग करूँगी. और उसके बाद है ना मैं तो ऐसा ही करूँगी प्रिटेंड कि मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हुआ है मेरे बॉडी पे, और फिर देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, ऊच करता है कि देखते हैं ये नॉर्मल रहता है. मेरे ख्याल से रिएक्ट तो करना चाहिए उसको, रिएक्ट तो करेगा वो. तो मैं ऐसे करके उसको फुल पल लगा दूंगी. ठंडा ठंडा लग रहा है ग्लू. वैसे आप भी एक प्रैंक कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रैंक है ये. आप भी अपने हस्बैंड पे कर सकते हैं कि देखो मेरे स्किन पे क्या हो गया. कुछ नहीं, बहुत इजीली निकल जाता है. मैंने तो अपने हैंड पे कल ट्राई किया था, ऐसे कोई रिएक्शन पहले ना टेस्ट 24 आवर्स पहले टेस्ट होता है, रात को मैं करके ही सोई थी तो कुछ हुआ नहीं था ऐसा. मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरे हाथ पे पाम्स में लगाया था पर कुछ पाम में नहीं, बैक ऑफ माई हैंड लगाया था, कुछ हुआ नहीं था. और ऐसे ही हम पहले पी लेते हैं और दूसरे हाथ पे भी लगाती हूँ, तब तक वो सूखेगा ना. वैसे बहुत अच्छा आइडिया, आप भी प्लान कर सकते हैं. ऐसे नहीं मेरे हाथ ही कप को चिपक जाए, ऐसे पीना पड़ेगा. एक साथ पी लेती हूँ नहीं तो मालूम पड़ेगा कि हाथ ऐसे चिपक गए और मैं ऐसे सोई. तो अभी हम लोग वेट करते हैं. वो बहुत चिक चिक हो रही है, मुझे ये चिपक रहा है एकदम हाथ ही ऐसे. मुझे ऐसा लगता है कि शरीर की मेल भी निकाल देगा क्या, वो एक्सपेरिमेंट भी इसके साथ हो जाएगा कि
हम लोग जैसे ही इसको रब करेंगे तो डस्ट एंड वो निकलता है क्या, पर अभी तो फिलहाल मैं 10 मिनट वेट करूँगी ताकि ये सब ड्राई हो जाए। आप देख रहे हो जो ये ड्राई हो जाएगा, और नेक पे भी लगाऊँ क्या, नेक पे भी लगाते थे। चलो किधर किधर से पी दिखाऊंगी ना, ऐसे लग रहा है फेस मास्क है, पर ये फेस मास्क आप बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना, क्या पता रिएक्शन हो जाए। सो प्लीज़ ट्राई इट ऑन ओन रिस्क। अगर आप प्रैंक भी करें तो पहले पैच टेस्ट करके ट्राई करना, जैसे मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ आपको ये। तो चलो इसका ड्राई होने का वेट करते हैं एंड मिलते हैं जब ड्राई होगा, तो मैं आपको बताऊँगी एग्जैक्टली मैं स्किन कैसे बनाऊँगी, ठीक है। सो गाइज आई एम बैक, और मेरा ड्राई हो चुका है ये लगभग। अब बस थोड़ा सा मैं इसको खुरेद दूंगी ताकि वो ऐसे स्किन जैसे पील होती ना वैसे लगे। तो मैं इसके लिए दिखाती हूँ आपको ये क्या है। निकल ही नहीं रहा। हो गया है सूख के पील, तो मैं रेडी हूँ प्रैंक करने के लिए। और अब मैं सेटअप करती हूँ, सो रहा होगा तो चुपके से धीरे धीरे मुझे सेटअप करना पड़ेगा। वैसे आवाज़ भी करूँगी तो कौन सा उसको पता लगना है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रख के मैं नॉर्मली जैसे सोती हूँ वैसे सो जाऊँगी, उसको लगेगा मैं अभी तक सो ही रही हूँ। और उसके बाद जब वो उठेगा और मेरा ये सारा रूप देखेगा तो देखते उसका रिएक्शन होगा क्या। अरे देखो ना ये क्या हो रहा है, क्या ये हाथ में क्या, देखो कैसे स्किन आ रही है तुम्हारी। स्किन कोई आ सकती है क्या? अरे देखो तो क्या, ये देखो क्या हो गया, ये शिट ये क्या हो गया, और ये इधर भी हो रहा है गले पे।
क्या हो गया ये? तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? मैं तो अभी उठा ना। शिट, यहाँ पे मेरे को इचिंग हो रही है। ये देखो, शिट ये क्या है? मेरे हाथ में भी ये पील हो रहा है स्किन। इस हाथ पे भी? क्या हो गया यार? यार मैंने रात को क्रीम लगाई उससे तो नहीं। चलो चलो। कौन सी क्रीम लगाई? मैंने पता नहीं कोई नई क्रीम लगाई। हाथ पैर में खुजली हो रही है, स्किन पील होता है, जैसे लगता है ऐसे लग रहा है। चलो डॉक्टर के पास चलो जल्दी। अरे पर अभी डॉक्टर होगा कि नहीं? अरे होगा ना, चलो। मैं पूछता हूँ फोन करके। मेरे मोबाइल के अंदर भी मोबाइल? इधर नहीं, मोबाइल तो चैट पे। मैं फिर करती हूँ ना दूसरी कोई आयुर्वेदिक क्रीम लगा के। आ गए लोग क्या? चलो जल्दी। कौन सा बॉडी लोशन लगाया तुमने? एक नया आया है कोई बॉडी लोशन, मैंने वो लगा। पता नहीं क्या क्या चीजें, एक तो लड़कियों का समझ नहीं आता क्या क्या चीजें लगाती रहती। मैं पूछता हूँ, नहीं तो उसके दूसरे दूर वाला जाना पड़ेगा। ये भी आया नहीं आया तारा वाला। तो मैं क्या करूँ, मुझे बहुत इचिंग हो रही है। अरे हाथ धो लो ना जब तक। चलो चलो मैं डेटॉल लगा देता हूँ। डेटॉल कितना रखा है? डेटॉल में चले मैं नमक छिड़कने जैसे हो जाएगा मेरी स्किन। अरे तो उससे एटलीस्ट वो इन्फेक्शन कुछ होगा तो वो नहीं होगा ना। मेरी स्किन फट गई और तुम उस पर डेटॉल लगाओगे तो बहुत जलेगा। मुझे सेवलॉन चाहिए, वो जलता नहीं है। अरे सेवलॉन नहीं है ना, कहाँ है डेटॉल? तो एक मिनट रुको, मैं एक मिनट डॉक्टर से पूछ। जल्दी करो यार, तुमसे फोन भी नहीं लग रहा है। डॉक्टर साहब आ गए? अरे उनको पूछो डरमैट आया, अच्छा डरमैट। क्या बोल रहे हो? डरमैट पूछो, वो सर का दर्द का डॉक्टर नहीं बताया तुमको बुखार का? हमारे जनरल फैमिली डॉक्टर है, उनसे पहले मिल लेते ना। नहीं नहीं उनको क्या पता, वो फिर मुझे दर्द की दवाई देंगे। दर्द डॉक्टर दिनेश से मिल लेते ना, उनको पता रहेगा। डॉक्टर दिनेश नहीं, स्किन डॉक्टर, हमारा स्किन डॉक्टर। पर वो अपने वो है ना, अपने वो नहीं, अपने काम नहीं आएंगे, डॉक्टर काम आएगा स्किन का। अरे तो डॉक्टर वो भी डॉक्टर है ना, तो उसमें क्या होगा? डॉक्टर नहीं है ना ये, देखो वहाँ पे वो उनके उधर वो देख डर्मेटोलॉजिस्ट भी आते हैं ना उनके साथ। ये देखो कैसे हो रहा है। अच्छा 11 बजे ठीक है। ये देखो कैसे हो रहा है स्किन। अरे ऐसे क्यों कर रही हो? देखो ना ऐसे निकल रही है स्किन। दर्द नहीं हो रहा क्या? हम भी कैसे कंट्रोल नहीं कर पाए इसे जाना। हंस क्यों रही हो ऊपर से? हंस क्यों रही हो? सुबह सुबह हंसना चाहिए इसके लिए। क्या ये भी लो।
ये भी लो, ये लो। अरे आप क्या क्या क्यों कर रही हो इसे? तुमको मेरी स्किन चाहिए, लो। जी? ये क्या कर क्या रही हो तुम? गुड मॉर्निंग। हाय। ये कैमरा सेटअप करके कर। हाँ। ओके ये क्या है? ये है फेविकॉल। मुंह पे नहीं लगाया है यहाँ पे लिप्स पे। मुंह पे कोई लगाता है क्या फेविकॉल? तुम सुबह सुबह तो ऊपर नोटे सीधे नाटक याद आते हैं। टें सुबह सुबह टेंशन दे दी पता नहीं क्या। हाय। यहाँ लगाती ना मुंह में इतना वो बक बक करती है जी। क्या कर रहे हो? यहाँ लगाती ना मुंह में तो तुम्हारा थोड़ा मेकअप भी निकलता, असली चेहरा नजर आता। आपने वो देखा है? वो क्या बोलते हैं उसको? नागिन, नागिन। वो अपनी जो वो छोड़ देती है, वो स्किन छोड़ देती है। ऐसा सांप होता है ना जो अपनी स्किन उतार देता है कुछ टाइम बाद एक सीजन में। इसका भी सीजन आया स्किन निकालने का। हरकतें भी इसकी ऐसी और इसकी बॉडी भी ऐसी। मॉनसून सीजन में निकालते हैं हम स्किन। सुबह सुबह तुमको नींद खराब करनी होती है। तुम उठते नहीं हो, मैं क्या करूं? उठते नहीं तो कोई ऐसे उठाता है क्या? Oh my God. ऐसे उठाना चाहिए क्या किसी को? नहीं, सुबह सुबह टेंशन दे दो, सर दर्द हो जाए सुबह सुबह। पूरे दिन तो सर दर्द करती है, सुबह सुबह उठाने में भी सर दर्द। सुबह सुबह ना किया करे उल्टी सीधी। नहीं, आधी रात को करूंगी अभी। सही है? अभी तो मुझे विश्वास ही नहीं होगा तुम कुछ करोगी ना। ना हो गया, हाँ ठीक है जाए ना, कुछ उल्टा ही कर रही होगी। तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो प्रैंक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो आपको मालूम पड़े हमारी कब न्यू वीडियो आ गई है। तो यही था आज का वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक मी, डोंट लाइक मी ओनली, लाइक मी ओनली। बाय गाइस, बाय। Thank you.